Now we will discuss rules for vth stage of radix 2 decimate in time FFT algorithm. Actually, we want to find rules of FFT. We want to find rules for FFT parameters. For vth stage, okay. So as you know, recall this expression at DFT formula, endpoint DFT formula. X of n. And W n power k into n. Okay. So what we decimate in time means for a vth stage, if n equal to 2 power v and v denote the number of stage in FFT. So what we'll do, we'll divide this n point DFT sum into weighted 2n by 2 DFT sum like this. N by 2 minus 1. Basically, we are dividing x, small x of n, into even index sample and odd index sample. 2 into kn plus wn k. Odd index samples n by 2. I will call this is vth stage. Okay. अब इस स्टेज में हम देखेंगे हम एफएफटी पैरामीटर्स. ओके, पैरामीटर्स फर्स्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स. तो ये जो है इसको हम एक कंसीडर करेंगे एक ब्लॉक. ओके, सो नंबर ऑफ ब्लॉक दिस स्टेज इज वन. सो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एफएफटी पैरामीटर एंड स्टेज लाइक दिस एन बाय टू पावर वी. ओके, सिमिलरली बटर फ्लाइज पर ब्लॉक. सो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ये है. In this is
input number 1, this is input number 2, and this is output number 1, and this is output number 2. Okay, इसमें इसी तरीके का सम है, इसका इस समेशन का पहला टर्म डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट, इस समेशन का पहला टर्म इस फॉर्म में ऐड होगा, दिस एफएफटी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ऐड होगा। सेकेंड टर्म ओके, देन दिस ड्यूअल फैक्टर ओके, एंड सेकेंड टर्म ऑफ दिस समेशन एंड सो ऑन। इस बटरफ्लाई पर ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, इसमें कितने बटरफ्लाई हो सकते हैं, जितने इसमें टर्म होते हैं एक समेशन में ओके, इसमें कितने टर्म हैं, एन बाई टू, एंड दैट कैन बी रिटन एन टू पावर बी बाई टू, दैट विल बी टू पावर बी माइनस वन ओके। थर्ड एफएफटी पैरामीटर इज बटरफ्लाई स्पैन ओके, बटरफ्लाई स्पैन क्या होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस सम का, फर्स्ट एलिमेंट और इस सम का फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट, उनके बीच में कितना कितने टर्म का अंतर है, कितने टर्म का डिफरेंस है ओके, सो दैट विल बी व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सम, दैट इज एन बाई टू, एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन एज पावर वी माइनस वन ओके। फोर्थ पैरामीटर इज ब्लॉक स्टेप, ब्लॉक स्टेप होगा, ये आपका एक सिंगल ब्लॉक था ओके, दिस इज ब्लॉक ओके, वेटेड सम, तो ब्लॉक ब्लॉक में ब्लॉक स्टेप होता है, कितने समेशन टर्म्स हैं इसमें कह सकते हो एक ब्लॉक में ओके, सो दैट विल बी हियर एन बाय टू, एन बाय टू दैट विल बी इफ एम, एंड दैट कैन बी रिलेटेड विद द स्टेज पैरामीटर वी ओके। नाउ फिफ्थ एफएफटी पैरामीटर इज ए बटरफ्लाई स्टेप ओके, एंड दैट इज वन फॉर ईच स्टेज ओके, क्योंकि बटरफ्लाई स्टेज में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक स्टेप की दूरी है ओके, इसको बटरफ्लाई स्टेप बोलते हैं। अब इसी पैरामीटर को हमने टेबुलर फॉर्म में नोट किया है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स vth स्टेज n by 2 पावर v, नंबर नंबर ऑफ बटरफ्लाई पर ब्लॉक दैट विल 2 पावर v माइनस 1, बटरफ्लाई स्पैन दैट इज 2 पावर v माइनस 1, ब्लॉक स्टेप दैट विल 2 पावर v, एंड ब्लॉक बटरफ्लाई स्टेप इज 1, दैट इज ऑलवेज 1 रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज। अब क्या करते हैं, ये दिस इज वीयत पर वीयत के केस का है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेज में भी आप ब्रेक कर सकते हैं, वीयत स्टेज को, वीयत स्टेज था एक्स ऑफ के इक्वल टू जीरो एन बाय टू माइनस वन
डब्ल्यू एन पावर के इज ट्यूडल फैक्टर ऑड इंडेक्स सीक्वेंस एक्स सबस्क्रिप्ट ओ आर एन. ओके अब क्या होगा, ये एक सिंगल ब्लॉक बोले थे वीएथ स्टेज. ओके अब क्या होगा, इस इवन सीक्वेंस को इवन इंडेक्स सीक्वेंस को अगेन विल डिवाइड इवन इंडेक्स एंड ऑड इंडेक्स सीक्वेंस. ओके सो आई कैन राइट दिस एक्स ऑफ के n by n equal to 0 to n by 4 minus 1 even e sub, x subscript ee means even index sample of even index w n by 4 ho jayega k n plus w n by 2 power k equal to 0 to n by 4 minus 1 odd index of even index signal. This is n by 4 power k into n. Similarly, इस summation को हमने अगेन ब्रेक किया है एंड दिस इज डब्ल्यू एन पावर के अगेन आई विल ब्रेक दिस समीशन इनटू एन बाई फोर समीशन डीएफटी समीशन. इसमें एन बाई टू डीएफटी समीशन में ब्रेक किया गया था, उसको अगेन n by 2 dft summation को again n by 4 dft summations में ब्रेक करेंगे. सो इवन इंडेक्स ऑफ ऑड इंडेक्स सैंपल्स. w n by 4 power k n n equal to 0 to n by 4 minus 1 odd index of odd index sequence w n power k to n by 4. ओके इसको हम बोलेंगे, इस पूरे स्टेज को बोलेंगे दिस इज b minus 1th stage and we'll reach to the first stage. Okay, इसमें देखेंगे इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये है ब्लॉक नंबर वन, दिस इज ब्लॉक नंबर टू. ओके और ये जो पैरामीटर है this is Tweedle factor at vth stage. ये जो पैरामीटर है this is Tweedle factor at v minus 1th stage. Okay, इसमें क्या होगा कि number of blocks कितने होंगे,
टू है तो दैट कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू टू, सो n बाई या v माइनस वन लिख सकते हैं. सो इफ 2 पावर v डिवाइड बाई 2 v माइनस वन दैट विल गिव द 2. ओके, बटरफ्लाई पर ब्लॉक्स n बाई 4. ओके, उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं. v में बटरफ्लाई कितने होंगे, n बाई 4 होंगे. n बाई 4 कैन बी n बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी 2 पावर b माइनस 2. ओके, इसको लिख सकते n बाई 4 को 2 पावर v माइनस 2 लिख सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से बटरफ्लाई, बटर स्पैन, ब्लॉक, स्टेप. ओके, बटरफ्लाई स्टेप इज ऑलवेज वन. ओके, वी कैन कैलकुलेट. सो इसी के लिए हम एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन एन इज इक्वल टू 8, सो वी विल बी विल टेक वैल्यू 1, 2, 3. ओके, तो इन फर्स्ट स्टेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज 4, बटरफ्लाई पर ब्लॉक इज 1. ओके, बटरफ्लाई स्पैन इज 1, बट सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू 1, ब्लॉक स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू 1 दैट विल गिव 2. ओके, एंड बटरफ्लाई स्टेप इज ऑलवेज 1. ओके, सिमिलरली फॉर स्टेज 2 यूजिंग दिस फार्मूला 4 2 2 4. सिमिलरली फॉर v इक्वल टू 3 यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज 1, नंबर ऑफ बटरफ्लाई पर ब्लॉक इज 4. ओके, बटरफ्लाई स्पैन इज 4. ओके, एंड ब्लॉक स्टेप विल बी 8. And butterfly escape is always one. Okay? इसको हम जो यहाँ पे FFT, इसको हम verify कर सकते हैं. Okay, first stage में number of blocks कितने हुए? ये है आपका first stage, ये है आपका second stage, ये आपका है third स्टेज. यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ सेकेंड स्टेज में वी 2 होगा, फर्स्ट स्टेज के लिए वी 1 होगा. ये पैरामीटर्स हम कैलकुलेट किए हैं, इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये है, एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक्स. ओके, और ये है चौथा ब्लॉक. ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, बटरफ्लाई पर ब्लॉक, एक ही बटरफ्लाई है आपकी पर ब्लॉक. बटरफ्लाई स्पैन इज 1, ब्लॉक स्टेप इज 2, क्योंकि और इस ब्लॉक के बीच में यदि इसके और इसके ब्लॉक के बीच में ये फर्स्ट एलिमेंट है इस ब्लॉक का और ये फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे ब्लॉक का, इसके बीच में आप डिस्टेंस निकालेंगे 2 स्टेप की, एक स्टेप 2 स्टेप. ओके, बटरफ्लाई पर स्टेप इज ऑलवेज 1. अब क्या है दूसरे स्टेज में, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज 4. लेट अस काउंट, अलग अलग कलर से ब्लॉक्स दिखाए. ये मजेंटा कलर से ब्लॉक दिखाया गया है बटरफ्लाई का, फिर ये स्काई ब्लू से दिखाया गया है दूसरा ब्लॉक्स. ओके, तीसरा ब्लॉक ब्लू कलर से दिखाया गया है, अगेन पिंक कलर से तीसरा चौथा ब्लॉक दिखाया गया है. तो चार ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई कर लिया सेकेंड स्टेज में. ओके, नाउ
बटरफ्लाई पर ब्लॉक्स. ओके सॉरी सॉरी दिस विल बी v इक्वल टू टू. सो हियर इट विल बी देयर इज मिस्टेक टू. तो दो ही ब्लॉक होंगे. ओके तो इसमें दो ब्लॉक्स ये हैं. ओके सेकेंड स्टेज में ये दो ब्लॉक्स हैं. ओके क्या अब क्या है कि इसमें बटरफ्लाई पर ब्लॉक्स ऊपर वाले ब्लॉक्स में एक मेजेंटा कलर की बटरफ्लाई है, एक स्काई ब्लू कलर की फ्लाई है. तो दो बटरफ्लाई पर ब्लॉक हो गए. ओके नीचे वाले ब्लॉक्स में भी दो बटरफ्लाई पर ब्लॉक हैं, इसमें एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई, एक पिंक कलर की बटरफ्लाई है. ओके थर्ड स्टेज में नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी n by 2 power v, v is 3, so that will be 1. Okay? तो इसमें एक ही ब्लॉक है ये. ओके अब इसमें कितनी बटरफ्लाई है पर ब्लॉक्स, तो एक रेड कलर की बटरफ्लाई है, एक ब्लू कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लैक कलर की, तो कितनी हो गई, चार बटरफ्लाई. ओके बटरफ्लाई स्पैन क्या है, अब देखिए यहां कितने स्टेप ले रही है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप ले रही है. ओके चार स्टेप. सेकेंड स्टेज में एक बटरफ्लाई दो स्टेज ले रही है. ओके पिंक से पिंक वाली जो बटरफ्लाई बन रही है उसके टॉप से बॉटम कलर लाइन को करने के लिए दो स्टेप लग रहे हैं. ओके इसमें चार स्टेप लग रहे हैं. ओके ब्लॉक स्टेप क्या होगा, यहां एक ही ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में कितने स्टेप अधिक स्टेप काउंट करेंगे तो आठ होंगे. ओके दैट वी कैन कैलकुलेट. सो यही चीज इसमें फर्स्ट स्टेज में बटरफ्लाई स्टेप वन है, बटरफ्लाई स्टेप सेकेंड स्टेज में वन है, बटरफ्लाई स्टेप थ्री ऑलवेज वन है, बटरफ्लाई फर्स्ट स्टेज में बटरफ्लाई स्पैन वन है, सेकेंड स्टेज में बटरफ्लाई स्पैन टू है, क्योंकि एक बटरफ्लाई में बटरफ्लाई के टॉप लाइन से बॉटम लाइन को जाने के लिए दो स्टेप चलने पड़ेंगे एक सेम ब्लड बटरफ्लाई में. ओके और आपका थर्ड स्टेज में बटरफ्लाई स्पैन फोर है, क्योंकि एक बटरफ्लाई के टॉप से उसके बॉटम रेड वाले टॉप से रेड वाले के बॉटम जाने के लिए चार स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप चलने पड़ रहे हैं. ओके और पूरे ब्लॉक में कितने स्टेप हैं, एट हैं थर्ड स्टेज में और सेकेंड में चार है. ओके अब क्या है कि हर स्टेज पे एक ट्यूडल फैक्टर होता है, जैसे कि इसमें वी एट पावर जीरो है हर बटरफ्लाई के लिए. बटरफ्लाई में यहां पे एक आपका ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, दिस इज समर, हियर इज माइनस वन, तो ये होता है आपका ट्यूडल फैक्टर या वेटिंग फैक्टर ऑफ वेटेड सम. ओके या फेज फैक्टर. ओके ये हर स्टेज को हमें डिटरमाइन करना होगा, इसका जनरलाइज रूल हम डिस्कस करेंगे. ट्यूडल फैक्टर एट द वीएथ स्टेज कैन बी डब्ल्यू एन पावर के था वीएथ स्टेज में. आप देखिए इसको हमने बताया था कि ये है आपका वीएथ स्टेज डब्ल्यू एन पावर के. इन टर्म्स ऑफ स्टेज पैरामीटर वी आई कैन राइट दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू सब्सक्रिप्ट for b and or is superscript k. okay to ye cheez humne yahan pe likhi hai ट्यूडल factor at bth stage. ab kya karenge using symmetry property, kyunki aap jab butterfly ko simplify kar rahe the improved butterfly bana rahe the wahan pe aapne ek symmetry property dekhi yahan pe ye wali property
यूज की थी ये, दिस इज सिमेट्री। टू प्लस क्वेश्चन की जगह पे यूजिंग सिमेट्री प्रॉपर्टी, वह चीज हम यूटिलाइज करके सिमेट्री प्रॉपर्टी डिटरमाइन द ट्यूटल फैक्टर एट ईच सिमेट्री डब्ल्यू एन के हैव टू चूज चूज एंटिटी डब्ल्यू एन के नेक्स्ट कंस्टेंट के बी में तोड़ दिया असल टाइप वन या ई प्रॉपर्टी बाय एन प्रॉपर्टी से भी था। सिमिलरली ट्यूटल फैक्टर सेकंड इसको एक nth रूट यूनिट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें W8 में लिख सकते हैं। इसको ओके डब्ल्यू डब्ल्यू सब्सक्रिप्ट एन बाई पी पावर के इक्वल टू डब्ल्यू एन पी इंटू के। ये हम जब हम यूटिलाइज कर रहे थे, जब हम इवन इंडेक्स और ऑड इंडेक्स सीक्वेंस में डिवाइड कर रहे थे समेशन को, उस समय इसका यूज हमने किया था जिससे कि एन बाई टू पॉइंट एफ टी सम मिलता था। ओके इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। तो इस हिसाब से W4 पावर 0 इक्वल टू W, इसको हम लिख सकते थे W4 पावर 0 कैन बी आल्सो इंटरप्रेटेड एज W सब्सक्रिप्ट 8 बाई 2। ओके सो दिस कैन बी जीरो से मल्टीप्लाई होगा यूजिंग पी इंटू के, पी इज इंटीजर, पी एन के आर इंटीजर, तो दिस इज डब्ल्यू एट पावर एट। सिमिलरली डब्ल्यू फोर पावर वन कैन बी रिटर्न डब्ल्यू एट पावर टू। ओके तो पॉसिबल टोटल फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एट या डब्ल्यू एन, दिस डब्ल्यू एट पावर जीरो एंड डब्ल्यू एट पावर टू। ओके फर्स्ट स्टेज में v इक्वल टू वन, सो w पावर k होगा टोटल फैक्टर्स, पॉसिबल टोटल फैक्टर n यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्ट w का सब्सक्रिप्ट में n 2 है तो पॉसिबल टोटल फैक्टर 1 होंगे। ओके
यूजिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टी, तो एक ही ट्यूटोरियल फैक्टर चूज करेंगे, ये ग्रीन वाला w 2 पावर 0. यूजिंग सिमिलरली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट w 2 पावर 0 इज w 8 पावर 0. ओके, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में एक ही ट्यूटोरियल फैक्टर है, बटरफ्लाई आपकी चार है उसका टोटल फैक्टर. ओके, सेकेंड स्टेज में ये है और ये है बटरफ्लाई ट्यूटोरियल फैक्टर फॉर बोथ टू बटरफ्लाई. ओके, पर ब्लॉक्स. ओके, यहां पे फोर बटरफ्लाई है सिंगल ब्लॉक में और पर ब्लॉक, तो उनके टोटल फैक्टर चार होंगे, w 8 पावर 0, w 8 पावर 1, w 8 पावर 2, w 8 पावर 3, w 8 पावर 1. ओके, इस तरह के ट्यूटोरियल फैक्टर को आप जनरलाइज अप्रोच से सकते हैं. एक ग्राफिकल अप्रोच भी होता है ट्यूटोरियल फैक्टर डिटरमाइन करने का, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं. ओके, क्या होता है कि w एन इज nth रूट ऑफ यूनिटी. अब क्या है कि डब्ल्यू एन, ओके, हियर टेक हियर इज एन इज 8, इस यूनिट सर्किल को हम इक्वली स्पेस 8 एक दो तीन चार पांच छ सात आठ. ओके, ये W 8 पावर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, W 8 पावर 1 क्लॉकवाइज, W 8 पावर 2, W 8 पावर 3, W 8 पावर 4, W 8 पावर 5, W 8 पावर 6, W 8 पावर 7. ओके, और सिमेट्री प्रॉपर्टी से आप दिखा सकते हो कि इसके और इसके बीच में W 8 पावर 7 कैन बी रिटन एज माइनस W 8 पावर 3. ओके, तो क्या है कि और ये सिमेट्री प्रॉपर्टी हम बटरफ्लाई में यूज कर रहे हैं, तो कितने ट्यूटोरियल फैक्टर पॉसिबल हैं वीएथ स्टेज में. ओके, वीएथ स्टेज में वीएथ या यहां पे तो थर्ड स्टेज में है तो W 8 इसका ट्यूटोरियल फैक्टर ये होगा. तो यही ये फर्स्ट फोर यही ट्यूटोरियल फैक्टर होंगे थर्ड स्टेज, और सेकेंड स्टेज में आपका है ट्यूटोरियल फैक्टर W 4 पावर K. अब इसमें क्या करेंगे, इस यूनिट सर्किल को चार इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे. एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये. इसमें भी सिमेट्री दिस विल W 4 पावर 0, W 4 पावर 1, W 4 पावर 2, W 4 पावर 3. ओके, अब क्या होगा, हम दिखाएंगे W 4 पावर 2 कैन बी W 4 पावर माइनस W 4 पावर 0 एंड W 4 पावर 3. ओके, W 4 पावर 3 इक्वल टू माइनस W 4 पावर 1. ओके, यही दो आपके ट्यूटोरियल फैक्टर्स होंगे, इनको ये इक्विवेलेंटली आप देखोगे ये किसके बराबर है, W 8 पावर 2 के बराबर है. ये जो पॉइंट है इस यूनिट सर्किल पे W 8 पावर के बराबर है. ओके, और ये पॉइंट है W 8 पावर के बराबर है. फर्स्ट स्टेज में ओके यू गेट टू. ओके, अब इसमें और इसमें बाय हम डब्बा वन पर जी इस तरह से इनको डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके,
How do you make numerator? Okay, ये x of zeros को x of one है, x of 2 है, x of 3, x of 5 की वैल्यू है, ये x of 4 की, x of 5, x of 6 की वैल्यू, x of 7 की वैल्यू, 8 पॉइंट्स हैं, ओके? तो देखिए x of 7 इज 8, x of 4, x of 4 इज 5, ओके? तो आपने फर्स्ट स्टेज में बीट इसको बीट रिवर्सल ऑर्डर इनपुट को लगाएंगे, ओके? और अब टोटल फैक्टर इसका फर्स्ट स्टेज का आपने कैलकुलेट कर लिया, w 8 पावर 0 है, दैट इज इक्वल टू 1, ओके? न्यूमेरिकली तो ये 1 हो गया। अब यहां पे आउटपुट में फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पे यहां पे 2.dft है, ओके? और टोटल फैक्टर ये 1 है, ओके? तो यहाँ पे सम होगा, यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा, इनपुट 1 and 5 1 plus 5 equal to 6 1 minus 5 is equal to minus 4, सिमिलरली 3 and 7 will added here, 3 minus 7 is minus 4, 2 and 6 2 plus 6 is 8, 2 minus 6 is 4, this minus coming due to this minus, ओके? At output second. At second output you are subtracting. Similarly, in second stage में जो first stage के output है वो input है, उनमें bit reversal नहीं करना है, आप ये ध्यान रखिएगा। 6 minus 4 minus 10 आपका जो order है, first stage का output है 6 minus 4 10 minus 4, सेकेंड स्टेज के इनपुट पे बिट रिवर्सल नहीं करना है, इंडेक्सिंग सिग्नल के इंडेक्सिंग के लिए 8 minus 4 12 minus 4, इट इज करेक्ट, कोई भी
Or similarly, total factor W 8 power 0 and W 8 power 2 is minus J. Okay. इसे कैलकुलेट करके ये आउटपुट्स कैलकुलेट कर लोगे इजीली, ओके। अगेन दिस आउटपुट विल बी द इनपुट फॉर द थर्ड स्टेज, वहां भी बिट रिवर्सल नहीं करना है आपको। 16 ये सेकेंड स्टेज का आउटपुट है, एक फर्स्ट आउटपुट है, सेकेंड आउटपुट, थर्ड, फोर्थ, थर्ड स्टेज के बटर टोटल फैक्टर सी हैं W8 पावर 0, W8 पावर 1, दैट विल बी दिस, ओके। W n इज इक्वल टू e पावर माइनस j 2 पाई बाई n, ओके। W8 पावर 2 इज माइनस j, W8 पावर 3 विल बी दिस, ओके। यू कैन कैलकुलेट, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ओके ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे 16 प्लस, यहाँ टोटल फैक्टर 1 है और ऐड होगा 16 प्लस 20, इस वाले, अब इसका ये वाला पॉइंट माइनस 1 है, तो ये 16 माइनस 20 माइनस 4। ब्लू वाले के केस में इनपुट ये है और नाउ अनदर इनपुट फॉर ब्लू बटरफ्लाई इज माइनस 4 प्लस 4j सेम, बट टोटल फैक्टर W8 पावर 0, देन यू हैव टू डू दिस ऑपरेशन एंड गेट दिस वन एंड सो ऑन। इस इन जो ये स्टेज वाइज है, आपको कभी कभी बोलता है तीनों स्टेज को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हो, हर स्टेज के आउटपुट को आपको लिखना होगा, एग्जाम में पूछता है।